अपने स्केच को बेहतर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो स्केच हो उनका बहुत ज़्यादा अव्वल हो, ह्यूमन स्केच बनाएं तो फ्लो में बनाएं, जो ज़्यादा टाइमिंग लग रहा है आपको एक ह्यूमन फिगर बनाने के लिए वो कम समय बन जाए, तो आप रेगुलर जो है 10 मिनट आप जिन लाइनों को मैं प्रैक्टिस करने के लिए सिखाने वाला हूँ आप उनके रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो 100% श्योरली जो है आप बेटर कर सकते हो। मैं न्यूनतम टाइम की बात करूँगा, 30 दिन आप इसको अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आइए, कौन कौन सी लाइनें हैं जिनकी प्रैक्टिस कर कर आप इम्प्रूव कर सकते हैं? तो मित्रों, आपको जितनी भी लाइनें मैं बता रहा हूँ उसको आपको जो है 10-10 बार अप्लाई करनी है। जैसे खड़ी लाइन ऐसे खींचनी है तो 10 बार खींचनी है उल्टा सीधा दोनों। जैसे एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी और इसी लाइन को आप जो है नीचे से ऊपर ले जाओगे, ऐसे ही 10 बार करोगे। फिर इसी लाइन को आप ऐसे खींचोगे, तो आप एक बार ऐसे जब लाइन ले जा रहे हो तो यहीं से लाइन आप जो है वापस ले आओ, ठीक है? ये भी आप 10 बार करोगे, दाएं से मतलब ये नीचे से ऊपर आप जैसे इस तरह तिरछे ले जा रहे हो तो जैसे ऊपर ले जा रहे हो ऊपर से भी नीचे आप ऐसे ले आओ, ओके? ये वाला पोर्शन हो गया। अब यही वाला पोर्शन नीचे से भी आप यहाँ से भी आप कर सकते हो, तिरछे में नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर, आप इसको 10 बार अप्लाई करना है। ये हो गया। अब उसके बाद आपको इस लाइन की प्रैक्टिस करनी है और रियली में आप लोग को बनाने में ये मजा आएगा जो है, ओके? फिर आप इस लाइन को उल्टा तरीके से कर सकते हो, ठीक है? कोशिश करनी है कि ये लाइनें अच्छी हो जाए। एंड अब इस चीज को हम नीचे से भी ऊपर करेंगे इस तरह से, और जब हम उल्टे से करते हैं थोड़ी सी जो है ड्राइंग में बैलेंस करने के लिए हमें थोड़ा अपने आप को ज़्यादा बैलेंस करना पड़ता है। फिर इस चीज़ को हम नीचे से भी इस तरह से करेंगे, ठीक है? ये प्रैक्टिस करनी है। अब जस्ट आपने इस तरह से किया है तो आप इस तरह से भी आप करोगे, ठीक है? इसको आप हर एंगल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप क्या करने वाले हो, आप इस लाइन की प्रैक्टिस करने वाले हो, ठीक है? इसको प्रवाही लाइन कहते हैं। इस प्रवाही लाइन को फिर हम जो है नीचे की ऊपर से भी आप ले जाएंगे। आप इसको भी आप जो है दाएं बाएं हर तरीके से करने का प्रयास करना है। और कौन सी लाइन का यूज करनी है, आपको इस लाइन की प्रैक्टिस करनी है। ये भी आप जो है हर एंगल से करना है, 10-10 बार करना है। इस लाइन के बाद हमारे पास एक और लाइन आता है जो आप इस तरह से करोगे, आप जैसे 8 बनाते थे ना आप, इस लाइन को भी आप प्रैक्टिस करोगे आप। और मैं ये पेंसिल करके दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट नजर आने के लिए आप पेंसिल यूज कर सकते हो और स्केच या अखबार आप चयन कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और आप जितने ज़्यादा जल्दी जल्दी करोगे उतना ही, हाँ, जल्दी के चक्कर में आप अपने फिगर को जो है ना ख़राब मत बनाइए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमें अपने स्केच को अच्छा करना है, कोशिश करना है कि जो भी फिगर है जैसे कि लाइन खींच रहा हो तो वो सीधी लाइन हो, तिरछी लाइन खींच रहे हैं तो वो परफेक्ट हो, ये सर्कल बना रहे हो तो सर्कल अच्छे हो। अब इसके बाद आप कौन सी लाइन और प्रैक्टिस करोगे, आप ये सर्कल बनाओगे, क्योंकि मैक्सिमम जो है हमारे जो फिगर होते हैं उसमें सर्कल होते हैं। और आप जैसे ये सर्कल आपने खींचा, आप कोशिश करने की ये जो सर्कल है हमारी अच्छा बने, कोशिश करनी है, ठीक है? ऐसे ही आप ये 10 बार स्टेप कर सकते हो। अब इस सर्कल को आप जो है थोड़ा सा इस तरह भी शेप करिए, क्योंकि ये भी हमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ड्राइंग में या किसी फिगर में इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। आप कोशिश करनी है कि परफेक्ट हो जाए। इसी चीज़ को जस्ट आपको इस तरह से भी करनी है, ऐसे करते करते जो है अपने हाथ को आप इतने ज़्यादा बैलेंस कर लेंगे, इतने ज़्यादा स्मूथ बना लेंगे कि आराम से आपकी वर्क हो जाएंगे। ये चीज़ आपने कर लिया तो अंडा जो शेप होता है हमारे फेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। जैसे कि ये ओवल है, जैसे आपने ओवल की बात कर रहे हैं तो ओवल जो है आप इस तरह से प्रैक्टिस बार बार करिएगा, क्योंकि आपको फेस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है समय लगाना होता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको जो है।
वही मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, कारण है क्योंकि आपको दिखाना है। ठीक है, ऐसे ही आप जो है ये, मैं जैसे कि मैंने इस पेपर लिया है, स्केच पेपर की यूज लिया है, वैसे ही आप कोई भी पेपर लेकर आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी हम स्केच जैसे बनाते हैं, फटाक से हमने हमको यदि बनाना है तो हम जब तक हमारा सेंस नहीं रहेगा तब तक हम इस तरह से बना नहीं सकते हैं। हमारे पास कुछ स्केचेस भी हैं जिन्हें मैंने बना रखा है, मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए स्केच है, ये मेरे भाई साहब हैं एंड ये मेरी सिस्टर हैं जिनको मैं बना रखा। एंड इसके अलावा जो है ये अटल बिहारी जी है, 25 दिसंबर को इनका जो है जन्म दिवस मनाया जाता है। और रियली में काफ़ी अच्छे राजनेता थे हमारे क्षेत्र के। और 23 जो है दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, तो किसानों के ऊपर मैंने ये स्केच बना रहा है। और मालवीय जयंती BHU के संस्थापक, इनका मैंने स्केच बना रखा है। और सेंटा क्लॉज तो आप लोगों ने जानते ही, काफ़ी हमारे लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये चीज़ भी जो है काफ़ी मैंने बना रखा है। तो ऐसे स्केच में आप जो ये लाइनों की जो स्मूथनेस है ना, उसको आप ऐसे बना सकते हो। आई होप